करने की पावर डायरेक्टर में, कैसे हम किसी क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं और किसी पोर्शन को म्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो हम फाइल लाएंगे जो कि जिसमें हमको फाइल को ट्रिम करना है या म्यूट करना है। तो कोई एक वीडियो ले लेते हैं जिसको हमें ट्रिम करना है। इस वीडियो को उठा करके हम लोग अपने टाइमलाइन पे ले आएंगे। अब टाइमलाइन पे आने के बाद हमको ये देखना है कि हमें कौन सा पोर्शन ट्रिम करना है। तो इसमें देखिए ये पोर्शन हमारे वीडियो का नहीं है, हमें इसको ट्रिम करना है। तो इसको ट्रिम करने के लिए हमको उस पोर्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पोर्शन को हमें ट्रिम करना है। तो टूल में जाएंगे और इस अपने हम प्लेस को इसको ले जा करके यहाँ पर सेट करेंगे। जब यहाँ पर हम सेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये स्प्लिट आ रहा है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे। और फिर इसके बाद इस पोर्शन पे जा करके यहाँ पर फिर से स्प्लिट करेंगे। अब आपका ये पोर्शन अलग हो गया। अब इस पोर्शन को हम राइट क्लिक करेंगे और या तो म्यूट कर सकते हैं इसको, या तो हम कट कर सकते हैं। तो हमने कट किया, कट करके हम कह रहे हैं इसको फिल गैप एंड मूव ऑल क्लिप। तो ये पूरा देखिए आपका ट्रिम हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारे वीडियो में ऐड है जिसको हम हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐड से हमारे उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो इस पोर्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और म्यूट क्लिप कर देंगे। तो जब हम म्यूट क्लिप कर देंगे तो इसको जब हम रन करेंगे तो इस पोर्शन में देखिए आपका जो कुछ भी हमने बोला है वो इस पोर्शन में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो के उस क्लिप को म्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा म्यूट हो गया तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करेंगे हम, यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और लिंक अनलिंक देखिए यहाँ पे आता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिम करेंगे। और ट्रिम करने के बाद अब हम म्यूट क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये पूरा इतना देखिए म्यूट कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करेंगे और इस पोर्शन पे जाकर इसको यहां पर राइट क्लिक करके यहाँ से ट्रिम करेंगे और इस पोर्शन को या तो हम हटा दें और या तो इस म्यूट क्लिप कर देंगे। तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो ये ऐड हमारा जो भी चाहिए तो वो पर्टिकुलर क्लिप देखिए आपकी म्यूट हो गई। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में और यहाँ पे देखिए सेटिंग दी हुई है, तो आप अगर प्रो वर्जन इसका चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पूरा यहाँ पर जो पोर्शन चाहिए हटा सकते हैं और जो पोर्शन चाहिए आप म्यूट कर सकते हैं। हमने म्यूट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ऐड था जो हमको नहीं दिखाना है, ऐड की वॉइस हमने म्यूट कर दी। अब इसी तरह से जब आप इस पोर्शन में राइट क्लिक करिएगा
तो आपको देखिए अनलिंक और लिंक भी मिल रहा है। तो जब आपको ऑडियो वीडियो अलग अलग एडिट करना होता है तो इसको लिंक और अनलिंक करते हैं। तो अनलिंक करिएगा तो देखिए आपका वीडियो जो है ऑडियो अलग अलग हो गया। अब आप उसको एडिट करके फिर लिंक कर सकते हैं। अभी आप राइट क्लिक करके फिर से कहिएगा, स्प्लिट आ रहा है यहाँ पर, स्प्लिट तो नहीं करना हमको, पूरा आप सेलेक्ट करके अनलिंक कर दीजिएगा तो अनलिंक हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे ऑडियो को हम अनलिंक करके फिर से उसको एडिट करके और अपने वीडियो के साथ मैच कर सकते हैं। और कुछ टूल हमने कल आपको बताया था कि आप ऑटोमेटिकली वीडियो को ऑडियो से मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पावर डायरेक्टर में एडिटिंग करके अपने वीडियो को प्रॉपर ढंग से एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू।